पहले हम लोग साथ साथ थे, फिर वो तो अपने रास्ते काफी ऊंचाई करके मैं वही रह गया, मुझे कोई एतराज नहीं। आज मैं उनको भेंट कर रहा हूँ। इंदु जी पहले ये तो आपको जब सारे काम आपने पहले कर दिया, तो ये क्या बुद्ध जी? अरे वाह, ये सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है। आपके बहुत सारी पुरानी है हमारी रोशनी है, बुद्ध है, सकारात्मकता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक फोटो खींच देना। हम किसी पुस्तक के विमोचन पर ऐसे संदर्भों पर बातचीत करने के लिए एकत्रित होते हैं जहां पर वातावरण गंभीर हो जाता है। एक व्यक्तित्व हमारे बीच में जब ऐसे जुड़ते हैं जो मौज मस्ती की जिंदगी जीते हैं और जो गीत गाता बंजारा की तरह गुनगुनाते हुए घूमते हैं, और मुझे कौशल्या बदंदानंद कौशल्यायन और उनकी एक याद स्मरण हो जाती है जो अपने घूमने को भी इतिहास बना देते हैं। रमेश दत्त जी ऐसे व्यक्तित्वों में से एक है जो अपने घुमक्कड़ नेचर को भी इतिहास बना दिया है। वो जहाँ जाते हैं उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, और ख़ास बात यह है कि उस रिकॉर्डिंग में जैसे बारिश आ रही हो या सावन का महीना हो, तो ये सावन को विषय बना करके और अपना वीडियो तैयार कर लेते हैं, और उसमें सावन के संबंधित आज तक जितने गीत गाए गए हैं फिल्मों में, उन गीतों के मुखड़ों को गुनगुनाते हुए वो वीडियो तैयार होता है, और वो YouTube पर जब आता है या हम जैसे श्रोताओं के पास पहुंचता है, तो हम भी उसको कानों में एक लंबे लगभग 40 मिनट का वो एक वीडियो होता है, और आप इतने तन्मय हो जाते हैं उसे सुनते हुए कि आप अपने पुराने काल में चले जाते हैं या उस कालखंड में चले जाते हैं जिस कालखंड के अंदर मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर, लता जी और ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में रहे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग ऐसे ही वातावरण में अपनी बातचीत करने वाले हैं। आज हमारे बीच में प्रेजेंट और जो है आप विशेष रूप से आमंत्रित हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि इस संदर्भ में मैं, चूँकि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा रमेश जी पर बातचीत और उनके विषय में या उनसे ही सुनना चाहेंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि हर आवाज़ के विशेषज्ञ वैसे तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बोलने वाला,
फिल्मों का एनसाइक्लोपीडिया है आप, किसी भी व्यक्तित्व पर, चाहे वो मुकेश जी हों, चाहे वो किशोर हों, चाहे वो लता जी हों, चाहे वो आशा भोसले जी हों, और चाहे कोई फिल्मी डायरेक्टर हो, और चाहे कोई फिल्मी और एक्टर, चाहे कोई फिल्मी एक्टर हो, इसके अलावा कोई भी फिल्म के लेखक, इनको क्या बोलते हैं, गीतकार हो, उनके रिश्तेदारों के बारे में और उस काम बनाते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं इन्हीं से अनुरोध करूँ कि आप अपनी जीवन यात्रा और जीवन यात्रा में एकाकीपन को कैसे गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो। नशा बढ़ता है शराब में, जो शराबों में मिलेगा। आप हर चीज को एक चीज में ऐसा जोड़ लेते हैं कि हम सब इनसे जुड़े हुए अनुभव करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ इनका एकाकीपन हमारे लिए मेला सा लगता है। वाह वाह, तो ये बहुत बड़ा बात है कि ये अकेले होते हैं लेकिन हमारे लिए मेले होते हैं। तो मैं रमेश जी से कहता हूँ अपनी जिंदगी और अपने जिंदगी के जायके को हम लोगों के बीच में रखें। आदरणीय रमेश जी, सब ये जो मौजू है या मुद्दा है, इसमें दो महान शख्सियत को विरोध किया गया है और वो दोनों महान शख्सियत मुकेश साहब और शैलेंद्र शर्मा। इंदू जी, मुझे अभी कह देना चाहिए, मैं इत्मीनान से बैठकर अपनी बात करूँ। ये आपके हाथों में सौंप दिया है, नहीं आपके हाथों में है, आप जैसा चाहें। आप पहले लोगों को सुनना चाहते हैं तो हम सुनाएंगे। जो यहाँ पर मौजूद हैं, मकसद ही ये है कि हम मुकेश साहब का और शैलेंद्र जी का जिक्र करें। मेरे से ज्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि सब वक्त लेकर आए हैं, काम छोड़ कर आए हैं और इस महफिल में आए हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ तक आए हैं। और जैसा मैंने कहा, ये महफिल एक नशिस्त संख्या से तो नहीं चलती होती, उसको सिर्फ ये देखा जाता है कि जो आए हैं उनका उसमें दिलचस्पी कितनी है। तो दिलचस्पी है, आप कहाँ कहाँ से चलते आए हैं। तो कुछ बातें मैं आपको आज बता देता हूँ मुकेश साहब के बारे में, शैलेंद्र जी की बातें, और वो बातें जो हैं वो इटर्नल है, इमॉर्टल है। जैसे अभी आदित्य भाई कह रहे थे कि एनसाइक्लोपीडिया, भाई एनसाइक्लोपीडिया क्या, पढ़ाई की दुनिया में हम आ गए, 40 साल हम पढ़ाते रहे कॉलेज में, 10 साल रिटायर हुए हो गए, और अब जब रिटायर हो गए तो फिर उस दिन ये देखा कि आप जिस जगह खड़े हैं बिछड़े सभी बारी बार। ये रिटायरमेंट की सबसे बड़ी सच्चाई है कि आपने किए होंगे कमाल धमाल जो, लेकिन जिस दिन आप रिटायर हुए सब किस्सा बात, तो यहाँ से शुरू होती है। मेरी इनिंग्स तो दरअसल बहुत पहले ही शुरू हो गई। जैसे मैं आपसे बताऊं कि इन दो लोगों पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा मैं। बरस था 1973, शिमला की वो ठंडी रात थी, और शिमला की ठंडी रात में हज़ारों लोग बैठे हुए थे रिज में। आप में से जो लोग शिमला गए हैं, वो बड़ा मैदान है वहाँ पर, भरा पड़ा था 1973, और इतने में जिसका इंतज़ार था हमें, वो इंसान सामने आए, हारमोनियम उठाया, उंगलियाँ चलाई। मैं बात कर रहा हूँ मुकेश साहब। मैं सबसे पहली पंक्ति में इसलिए बैठ गया था कि मैं पहले मुकेश साहब से मिल लिया था। मैंने मुकेश साहब, मैं बहुत दीवाना हूँ आपका। 1973 उम्र कितनी थी, कुछ भी विश्वास था, और दीवाना हूँ आपके गीतों का। बस एक गुजारिश है, जो गाना मैं आपसे कह दूँ, रिक्वेस्ट कर दूँ, प्लीज़ गाना चेक, आप बता दूँगा कोई गाना ऐसा था नहीं, चूँकि मैं सामने बैठा हूँ, वो सामने हैं, मुकेश साहब ये सुना दीजिए सुना दीजिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो बड़े प्रोग्राम होते हैं जब वो शुरू होते हैं वो वहीं से जोड़ देते हैं हजारों। तो शुरुआत हुई, धरती को आकाश पुकारे, आजा जा प्रेम द्वारे, आना ही होगा। सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, और मुकेश साहब ने गाना शुरू किया। गाए जा गीत मिलन के, तू अपनी लगन के, सजने हर जाना है। अब ये थी शुरुआत। सारा जो पंडाल है वो पंडाल गया, उसके ऊपर पंडाल नहीं था, आसमान था और हजारों लोग बैठे। अब यहाँ से मुकेश साहब को जो मैं रिक्वेस्ट भेजूँ, मुकेश साहब ये सुना दीजिए। मैं मुकेश साहब की सरलता और सादगी की इसीलिए तारीफ करता हूँ
क्योंकि ये लोग जमीन से उगे हुए लोग, इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। अभी मैं शैलेंद्र जी की तरफ आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि शैलेंद्र जी का संघर्ष क्या है। अभी परसों मेरे मित्र आए हुए थे यहाँ पर कमलवीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री से, 3 दिन मेरे साथ ही थे, बल्कि मैं उनके साथ था। तो हम जब बातें कर रहे थे तो हम उस दौर की बातें कर रहे थे, और मैं भाई को बार बार हाथ जोड़ के कह रहा था, यार मैं तो सिर्फ युग छाया और रंगभूमि में सिमट के रह जाता अगर तुम फिल्मों में ना जाते। तुम जिस जिस इंसान से मैंने मिलना चाहा, मेरे मित्र कमलजीत ने मुझसे मिलवाया। तो फिल्मों में जो मेरी नॉलेज है या मेरा ज्ञान है, या तो वो जब मैं स्कूल से भाग करके चला जाता था 13 साल की उम्र में काला बाजार देखने, या फिर उसके बाद में वो इनकी राज कपूर साहब की फिल्म देखने, या तो मेरा ज्ञान आया वहां से 13-14 बरस की, या फिर फिल्म में जिन लोगों से मिलना चाहता था, देवानंद साहब थे या वो राज कपूर थे या विनोद खन्ना थे या गुलजार साहब, तो सब मैं मिल पाया। तो इसलिए जो मुझे कहना होता है उसमें फॉरवर्डेड मैसेजेस के लिए कोई जगह नहीं होता, क्योंकि मेरा अपना मैसेज इतना बड़ा हो जाता है कि कई मेरे मित्र उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो अब मुकेश साहब ने अपना जीवन शुरू किया, उन्होंने अपने गाने गाने शुरू किए, और सच ये है कि बरस अभी 47 बीता ही था, आज़ादी का समय चलने वाला ही था, और ये सारे कलाकार धीरे धीरे करके अपनी जगह बनाने लगे। मुकेश साहब तो दिल्ली में गा रहे थे एक फैमिली फंक्शन में, और फैमिली फंक्शन में गाते गाते वहाँ बैठे हुए थे मशहूर अदाकार मोतीलाल जी, जो उनकी रिश्तेदारी में थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी तरीके से समझते हुए बात को कहा, भाई तुम तो बहुत अच्छा गाते हो मुकेश, तुम आ जाओ। और मुकेश वहाँ पर पहुँच गए, गाने गाए शुरू में, लेकिन कोई हिट नहीं हुआ। और फिर जो गीत उनका हिट हुआ एकदम से दुनिया में, दिल जलता है तो जलने दे, काफी दिन तक तो लोग कहने लगे कि सैयद साहब का नया गीत आया, इन्होंने नहीं नहीं नौजवान है, नया नया अभी आया है, मुकेश नाम नेवर कम बैक। इसके बाद मुकेश साहब ने कभी वापसी नहीं की। मुझे अच्छी बात यह रही कि मैं अपने दोस्तों के लिए ऑटोग्राफ ले सका था उस शिमला वाले फंक्शन में, मेरे पास ऑटोग्राफ बुक थी नहीं, मैंने उन्हें खत लिखा मुकेश साहब को, और वो उसका जवाब जब मुझे आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब तो मेरी उम्र बड़ी हो गई। 13 साल की उम्र में मैंने लता मंगेशकर जी को खत लिखा था, उनका हाथ से लिखा हुआ खत मुझ तक आया, जो मेरे खजाने में आज तक। तो मुकेश साहब ने फिर इसके बाद में गाना शुरू किया, लेकिन मुकेश साहब न जाने क्यों अच्छे अच्छे गाने गाने के बाद में राज कपूर के लिए 2 तरह के गाने गाए उन्होंने। एक गाने तो वो हैं जो बड़े गंभीर हैं, हीर हैं, है तेरा वहां कौन सभी लोग हैं पराए, परदेश की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाए, कांटों भरी डगर है तू दामन बचाना, ओ जाने वाले हो सके तो। अब आप देखिए कितनी गहराई है, कितना धीर गंभीर गीत है ये। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए, कितनी गहराई है। लेकिन मुकेश साहब जब राज कपूर के लिए आते हैं, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, अब बताइए वो गहराई। और इस तरह के गीत मुकेश साहब की आवाज में जब हम सुनते हैं तो हम वाकई मान बैठते हैं कि ये कलाकार अद्भुत थे। अपने जीवन में उन्होंने लगभग 992 गाने गाए, और 992 गानों में से 133 गाने उन्होंने शंकर जयकिशन के लिए गाए, और उसके अलावा कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 सॉन्ग्स गाए। और वो कभी ये देखते नहीं थे कि म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, क्या धुन बनाई है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। दान सिंह जब उनके पास में धुन लेके पहुंचे मुकेश साहब के पास कि भाई मुझे तो यहाँ कोई नहीं जानता फिल्म इंडस्ट्री में, तो शंकर जयकिशन का जमाना है और आप उन्हीं के गायक हो, मेरी इस धुन को देख लीजिए अगर आपको ठीक लगे। मुकेश साहब ने उनका हौसला बढ़ाया, उन्होंने कहा ये गीत की रिकॉर्डिंग बताओ कब है, और गीत की रिकॉर्डिंग हुई। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी
कितनी टूट गया। अब देखिए गीत को आप जानते हैं, संगीत का कारण मैं मालूम नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे न जाने कितने गीत उन्होंने गाए। एस एन त्रिपाठी साहब ने धुन बनाई और इतफाक किया है कि गीत भी शैलेंद्र जी का लिखा हुआ था। मुकेश साहब तो एकदम तैयार हो। झूमती चली हवा याद आ गया, कोई बुझती बुझती आग तो वो आग जला गया कोई, इसलिए क्योंकि उसका जो जीवन है वो व्यक्ति से व्यक्तित्व का है, बहुत लंबा फासला है। ये जो कट शॉर्ट आजकल चल रहे हैं कॉपी पेस्ट, इनसे अलग थे ये लोग, इतना लंबा रास्ता इन्होंने तय किया। आज इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए याद कर रहे हैं और हम वो लोग हैं जो हम इन दोनों के बारे में जानना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं मुकेश साहब को और दूर तक लेके चलूँ, मैं शैलेंद्र जी को भी इसी वक्त साथ मिलाना चाहता हूँ, कि बहुत से गाने ऐसे हैं जो शैलेंद्र जी ने लिखे और मुकेश साहब ने गाए। तो शैलेंद्र जी, बचपन से ही आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, यहाँ तक के सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, हमने सारी जिंदगी होशियारी सीखी नहीं। इसीलिए जो YouTube पे मैं अपने वीडियो डालता हूँ, उन्हें देखने वालों की संख्या यही 10-15-20-25 होती है। वो कहते हैं यार इनको सुन के करेंगे क्या, और ये बंदा इतना अजीब सा है, एक बंदा ही काफी है बोर करने के लिए, 40 मिनट बोलता है, 40 मिनट से कम बोलता ही नहीं है। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैंने कौन सा कोई नाम लिया, मुझे तो किसी कुछ पढ़ता हूँ, मैं हूँ नहीं। मेरी तसल्ली हो जाती है जिस पल मैं अपना वीडियो बना के डाल देता हूँ। कभी बुजुर्ग हो जाऊँगा 20-25 साल बाद तो देखा करूँगा अपने वीडियो को बैठ करके, अभी तो चल रहा है सिलसिला। तो शैलेंद्र जी भी मेरे बड़े प्रिय हैं, बहुत ही प्रिय हैं इनका। और 29 सितंबर 2004 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मित्र कंवर जी ने कहा कि चलो आज यही रुकते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। कर रहे थे बातें हम सारा दिन, रात के 10 बजने वाले थे। कंवर जी कहने लगे कि यार ये ना ऐसा करते हैं, डाइनिंग हॉल है यहीं पर, बड़ा अच्छा है, इंडियन इंटरनेशनल सेंटर बड़ी प्रेस्टिजियस क्लब है दिल्ली में, तो खाना ही खा लेते। अब जैसे ही हम दरवाजे से जाने लगे, 10:30 बजे का, 10 बजे का समय, उसमें मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। और जैसे ही खींच के अंदर ले गए तो एक कोने में एक सज्जन बैठे हुए थे, उनके सामने जाके कहा भाई आदाब, गुलजार साहब उठ खड़े हो। वो गुलजार साहब थे, तो गुलजार साहब उठ खड़े हुए, कंवर जीत तो वो जानते थे क्योंकि कंवर जीत ने उनकी फिल्म माचिस की थी, और कहने लगे भाई ये मेरा दोस्त है, प्रोफेसर है वैसे, लेकिन आपका जबरदस्त दीवाना है यार। तो मुकेश साहब की बातें मैं जो कर रहा हूँ, मैं शैलेंद्र जी की इसलिए बात कर रहा हूँ, अब 70 मिनट तक मुझे गुलजार साहब के साथ बैठकर बात करने का मौका, कमल जी तो अपने दोस्तों के साथ दूसरी तरफ चले गए। बस मैं ये सोच रहा था, आज मुझे लालच आ रहा था, जो सवाल पूछना है पूछे जाओ पूछे जाओ, पर मैं अचानक इतनी बातों के बीच 70 मिनट की गुफ्तगू में एक सवाल पूछ लिया, गुलजार साहब इतने सारे गीत का और आपका इतने सारे से वास्ता, मुझे बताइए कि एक नाम अगर आप लेंगे तो कौन सा, शैलेंद्र जी के अलावा और कौन है सर्वोत्तम महानतम गीतकार शैलेंद्र जी, तो अगर गुलजार साहब इस बात को देखते हैं तो इतना बारीक काम किया है शैलेंद्र जी ने कि गुलजार साहब की उन्होंने मानते हैं। दुख इन दोनों की जिंदगी, मुकेश साहब के और शैलेंद्र के। मुकेश साहब का दुख ये, हैंडसम थे, गुड लुकिंग थे, और जो माया नगरी है उसके बुलावे में छलावे में आ गए और फिल्म्स में एक्टिंग करने की ठानी। फिल्म्स आई कब गई पता ही नहीं चला, अब बताइए चांस और लेता हूँ। फिल्म बनाई, फिल्म बनने के उसके बीच में पता लग गया कितना नुकसान होता है, वो भी हुआ। संगीत भी दिया एक फिल्म में, इसी कश्मकश में जिए जा रहा किसे याद करूं किसे भूल जाऊं। अब ये राज कपूर जो है ये बहुत चला गया, ये समझ गए कि ये गया लड़का हाथ से मेरे, अभी तो अलग तरह तजुर्बे कर रहा है। और उन्होंने मन्ना दा को कहा, मन्ना दा ये मेरी 2 फिल्म आ रही है इसमें गीत आपने गाने हैं। मन्ना दा तो आपको मालूम है बंगलौर के थे, वो चलते थे, रहते भी बंगलौर में थे, मैं मिला उनके ऑटोग्राफ्स लिए मैंने उनकी बुक के ऊपर, कमाल के सिंगर थे मन्ना। तो मन्ना दा की जो अंदर की खुशी है वो ये इसलिए थी, एक उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें उन्होंने लिखा है, मेरी भी आवाज़ बड़ी भारी थी,
और या तो मुझे हनुमान जी पे गाना गाना है और या मुझे सुग्रीव पे गाना गाना है। मेरी आवाज का इस्तेमाल कोई भी माइथोलॉजी के अलावा कहीं नहीं कर रहा था। राज कपूर ने मुझे कहा आ जाओ आ गए। ये रात भीगी भीगी ये मस्त मिजाजे उठा धीरे धीरे ओ चांद प्यारा। क्या गाने बनाए थे 420 के। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है। अब देखिए इसमें कहीं एक जगह शैलेंद्र जी ने दिया शंकर जयकिशन को लिख के रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानी। शैलेंद्र जी ये लिखते थे क्या शंकर जी लगाए भाई ये शैलेंद्र जी यहाँ तो हम फंस गए गलत लिख रहे आप। चार दिशाएं होती हैं दस नहीं होती। दस दिशाएं होती हैं शैलेंद्र जी ने कहा कैसे चार दिशाएं चार दिशाओं के बीच में चार दिशाएं कितनी हो गई आठ ने कहा धुन बनानी है देवानंद मेरी जान खा जाएंगे अगर ये गीत हमने उन्हें दो दिन के अंदर तैयार करके ना दिया तो पंचम पहनो अपनी दिक्कत और लग जाओ पीछे शैलेंद्र। वो नौजवान उठा चला सारा दिन करते करते पीछे 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 रात को 10 बजे जाकर के शैलेंद्र जी कहते हैं यार तूने मेरी जान क्यों खा रखी प्रॉब्लम क्या है तुझे। बाबा कहते हैं गीत लेके आओ बाबा कहते हैं गीत लेके आओ। चल समुद्र के किनारे जाकर के बैठे एक बेंच पे खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी अपनी बात को कहना कहते हैं। ये जो 60s का दशक शुरू हुआ इसमें दौर कुछ ऐसा बना कि उसमें संगीतकार रिकमेंड करता था गीतकार के लिए ये संगीतकार तैयार है शंकर जयकिशन है बने वो नहीं करे गीतकार को वो कर। तो अभी कुछ कहा था शंकर जयकिशन ने देखो शैलेंद्र हम लोग हमेशा इकट्ठे रहे और हम आपके साथ में काम हमेशा बांट के चलेंगे। उसने कहा काम बांट के चलेंगे 6 महीने साल निकल गए। अब शैलेंद्र जी ने एक पुर्जे पे कुछ लिखा और वो लिख के शंकर जयकिशन के पास भेज दिया। शंकर जयकिशन ने जैसे ही उस पुर्जे को देखा और उससे पहले भाई हमने तो वादा किया था पूरा नहीं हुआ और आप जानते हैं क्या लिख के भेजा था शैलेंद्र जी ने छोटी सी ये दुनिया पहचानने रास्ते हैं यानी उस प्रोजेक्ट में लिखा हुआ और शंकर जयकिशन मजबूर हो गए जो इस चीज को। देखिए मैं तो बोलता चला जाता हूँ और बोलता चला जाऊंगा मेरा तो काम ही ये था। आप लोग अपने उसको देखिए कि कितना आप मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि ये किस्से इसके सुन गए हैं ये खत्म नहीं। अब बहुत ही संजीदा इंसान है शैलेंद्र जी उन्होंने कहा मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ एक फणीश्वरनाथ रेणु और उस पर उन्होंने कहा मुझे फिल्म बनानी है। फिल्म बनानी शुरू हुई 1961 में। फिल्म का नाम था तीसरी कसम। राज कपूर थे वहीदा रहमान थे शंकर जयकिशन सब पूरी वही टीम। कहीं अंदर के लोग ही कुछ गड़बड़ कर गए और ये फिल्म 61 से चलती हुई 66 तक पहुंच गई। 5 बरस में इतने कर्जे हो गए शैलेंद्र जी के ऊपर और इतनी बुरी तरीके से फंस गए। आखिर फिल्म बनी तैयार हुई और उसके बाद में जब उसको नेशनल अवार्ड मिला तब लोगों ने कहा यार ये फिल्म तो बड़ी कमाल की लेकिन शैलेंद्र जी तो जा चुके थे ओनली 42। उनको इतना झटका लगा इस चीज का और फिर गाइड के जो गाने थे जो बनाए उन्होंने दिल ढल जाए हाय रात ना जा ऐसे कैसे गाने बनाते। अब इतने हिट गाने हुए कि शैलेंद्र जी ने कहा कि भाई मेरा दिल टूट गया है फिल्म इंडस्ट्री से मैं बहुत परेशानी में हूँ। विजयानंद पीछे पड़ गए अगली फिल्म बनानी है उन्होंने जुल थी। भाई जुल थी के गाने तुम ही हो गए शैलेंद्र जी के साथ नए गाने आप कहीं नहीं हुआ मैं बहुत परेशानी में मुझे छिड़ो। तो ऐसा भी होता है मैंने सुना है कि शैलेंद्र जी घर के अंदर होते थे सामने से आते हुए देखा विजयानंद को तो वो पीछे के दरवाजे से बाहर मुझे मिलना ही नहीं किसी से मुझे मिलना ही नहीं।
लेकिन संवेदनशील व्यक्ति है और वो जानता है इस बात को कि दुख होता है, विजयानंद को दुख होगा। तो उसने आखिर में जाके कहा, ये फिल्म जो तुमके सारे गाने की जिससे भी रिकॉर्ड के गाने में तुम्हें देखे जा रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए चलते चलते भेंट है। और गीत क्या था? कितनी आप बीती है इसमें। शैलेंद्र जी की सबसे अच्छी बात है कि वो बहुत एक ऐसे वर्ग से उनकी आमद हुई थी जो बॉम्बे इंडस्ट्री में बहुत अच्छे उससे नहीं देखा जाता, लेकिन उनका कद इतना ऊंचा हो गया कि वो भूल गए कि ये आए कहां से। पैदा तो पाकिस्तान में हुए थे, रावलपिंडी में, वक्त उन्होंने मथुरा में काटा था। यहाँ तक भी हुआ कि घर के अंदर परेशानी आई और वो रेलवे यार्ड में काम करने लगे शैलेंद्र जी। और उसके बाद में फिर राज कपूर ने उनसे कहा, राज कपूर ने कहा भाई मैं बना रहा हूँ फिल्म अपनी, आज आज़ादी मिलने के फौरन बाद गीत लिखोगे? इससे पहले कविता सुनी थी शैलेंद्र की और राज कपूर इंप्रेस हो गए थे, जलता है पंजाब ये उनकी पोइम थी। उसने कहा इस पोइम को अपनी फिल्म आग में लेना चाहता हूँ। शैलेंद्र ने कहा भाई मैं प्रगतिवादी इंसान हूँ, मैं फिल्मों से वास्ता रखता हूँ, मैं दूर ही रहूँगा। कुछ वक्त बीता, राज कपूर ने मेरा दर खुलाया खुला ही रहेगा, जब आना है आ जाए। घर में परेशानी आई, पैसे की तंगी आई, राज कपूर के पास पहुंचे, फिल्म बन रही थी बरसात, और बरसात के लिए उन्होंने कहा कि शैलेंद्र जी कुछ भी लिख दो। बरसात में, अब इसकी जो धुन है बरसात में, इस पर शब्दों को लिखना कोई आसान काम नहीं था। और दूसरा पतली कमर है, ये राज कपूर इस तरह के गीतों को सुनाने, बस इसके बाद तो फिर राज कपूर उनसे इतने प्रभावित हुए कि वो कहते थे उन्हें कविराज, कविराज ये तो कविराज है मेरा, या फिर वो कहते थे रशियन पोएट बड़े पॉपुलर हुए थे उस जमाने में पुश्किन, ये तो पुश्किन है। और पुश्किन ने भी प्रूव किया कि जो गीत उसने लिखे और जो मुकेश साहब ने खासतौर से, 1960 का बरस बड़ा इंपॉर्टेंट बरस है क्योंकि राज कपूर की जिंदगी की जो मोहब्बत है वो छूट गई है। और आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम हो कि मोहब्बत छूटने के बाद जीना कितना मुश्किल होता है, मुझे तो तो उसके बाद में वो चलते फिरते रहने वाला आदमी है, मोहब्बत अपना रूप बदलती रहती है, मतलब मोहब्बत स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। तो वो चलते रहे और उसने आखिर कहा कि मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, नाम होगा जिस देश में गंगा बहती है, और मैं जिस देश में गंगा बहती है वहीं से आता हूँ और वहीं जाने वाला हूँ चलते चलते, इसलिए जल्दबाजी में हमने उस महफिल को सजाया। तो वहाँ कहते हैं कि शंकर जयकिशन को जो बुलाया गया, तो शंकर जयकिशन में जयकिशन कहने लगे यार ये तो डाकुओं की फिल्म है, इसमें हम क्या करेंगे, डाकुओं की फिल्म में हम म्यूजिक क्या देंगे। शंकर ने कहा देखो उधर कौन खड़ा हुआ है, वो राज कपूर है, वो ऐसे ही हाथ डालने वाला आदमी नहीं है। और राज कपूर ने ये तय कर लिया कि इस फिल्म में 10 गाने होंगे तो उसमें सारे ही गाने शैलेंद्र के होंगे, लेकिन बाद में समझौता करना पड़ा, एक गीत उन्हें हसरत साहब के हिस्से भी दिया। और क्या कमाल किया था शैलेंद्र, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जो शंकर जयकिशन का फाइनेस्ट म्यूजिक है। अब राज कपूर जानते हैं कि जीवन के तीन हिस्से होते हैं, ये शुरुआत हुई यहाँ टॉप पे पहुंचे और उसके बाद वो घर तो उस पार उभरा रहा होता है कोई बात। तो इस फिल्म का जो आखिरी गीत बनाया जाना है उसे शैलेंद्र जी तो बंद कर दो, लेकिन गाने के बीच में नहीं ना, बात के बीच में नहीं, बाद में करना, अभी रोक दो। तो अब उसमें जो आखिर की तरफ जब हमें जाना है तो वहाँ एक गाना है और वो गाना शैलेंद्र जी ने बनाना है, शंकर जी किसी ने उस पर धुन लानी है और जो धुन लेकर के वो आए और जो गाना बना उसके लिए 36 घंटे रिहर्सल, 100 के करीब का ऑर्केस्ट्रा मौजूद है शंकर जयकिशन का और उसमें 40 वायलिन है। और गाना बन के जब तैयार हुआ और उसके बाद जब सामने आया, लेकिन शंकर जयकिशन ने लता जी से कहा इसमें आखिर में एक अलाप है और वो अलाप आपको जैसे लेना है जिस तरह लेना है वो आपकी मर्जी,
क्योंकि मुकेश साहब जा रहे थे। आंख हमारी मंजिल पर दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल बराए अपना घर फिर अपना घर है। क्या गाना बना था। मैं कई बार सोचता हूँ कि शैलेंद्र जी, दरअसल आप गानों को उठा के देखिए शंकर जयकिशन के, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर गीत हैं वो मोहम्मद रफी साहब ने गाए हैं और लिखे हैं सरत साहब ने, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिल को छूने वाले गीत हैं वो लिखे हैं शैलेंद्र जी। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहां अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है क्यों हैरान है हम, इस दिल के दो अरमान है हम। क्या टोली थी, बंजारों की टोली थी, क्या गीत वो बनाते थे। मेरे ख्याल से जितना मैंने आपको इनके बारे में बताया है शैलेंद्र जी और उनके बारे में, सिर्फ यही कहूँगा कि जिंदगी को आप कितनी खुशी से जी लीजिए, आप कितना सुख इसमें पा लीजिए, सुविधाएं हासिल कर लीजिए। मुझे कैफी आजमी साहब का एक शेर याद आता है, क्योंकि पिछले दिनों मेरे मित्र कंवर जी यहाँ कैफी आजमी साहब का शो करके गए 14 तारीख को, और वो शो जो उनका था वो बड़ा तमाशा था। तो उसमें क्या था कि कैफी आजमी साहब से मुलाकात का मौका मुझे मिला 1973 की शुरू में, सात दिन, और उनका एक शेर मेरे मन पे छपा है और वो जिंदगी की तर्जुमानी है, उससे बढ़िया तर्जुमानी क्या हो। पाया भी उनको खो भी दिया, चुप भी हो रहे एक मुख्तसर सी रात में सरियां के सर। ये जिंदगी है, और इसी तरह से जिंदगी के ऊपर बड़ी पकड़ थी शैलेंद्र जी की। जिंदगी का जब फसाना है रोते रोते भी मुस्कुराना, टूटे दिल से 53 साल की उम्र में मुकेश साहब रुखसत हुए 27 साल, और उसके बाद में शैलेंद्र जी तो पहले ही जा चुके थे, और वो जो उनका दिन था वो था 14 दिसंबर 1986। ताज्जुब ये होता है कि 14 दिसंबर जो है वो राज कपूर की सालगिरह है, सालगिरह मनाने की तैयारियां हो गई थी, शैलेंद्र जी मौत की खबर आई। तो मैं जो कह रहा हूँ, एक नज्म लिखी थी शैलेंद्र जी ने, मोतीलाल की जिंदगी तो आप जानते हैं, मैं तो बहुत पसंद करता हूँ। एकदम मेरे लोगों को पूछा भाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दो नाम लोग, मोतीलाल एंड बकाशान, बाकी सब पीछे पीछे। मोतीलाल जी की आखिरी फिल्म थी, और आखिरी फिल्म में उन्होंने कहा कि जिंदगी की जितनी परेशानियां हैं वो निशानियां हैं सब हम इसमें लाएंगे। लाइव फिल्म बना रहे थे और एक गीत बनने के लिए अनिल विश्वास साहब ने कहा शैलेंद्र जी देखिए लिखा, और मुकेश साहब ने उस गीत को गाया। वो जिंदगी की सबसे बड़ी एक सच्चाई है जो उस नगमे में दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ देख के उसको चलते चलते सुना दूंगा आपको, मैंने भी तो कुछ सुनना है सारा कुछ मैंने को नहीं सुना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, मन मत करना, मैं जरा सबको एक एक करके दिखाना सब दीजिए मुझे सबको, इतनी तन्मयता से, क्यों तन्मय जी, इतनी तन्मयता से इन्होंने सबने सुना है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं अपनी बात कह सका। देखिए ये है बेंगलोर का वो हिस्सा जो आज के दौर से नहीं जुड़ा, ये वही हैं जहाँ होते थे, इनका साहित्य है, इनका अदब है, इनके गीत हैं, इनकी गज़लें हैं, और न जाने क्या क्या कितना कुछ ये करते हैं। मेरी तो खुशनसीबी है कि यहाँ आ गए, मेरी बात को उन्होंने सुना, लेकिन हम आपकी बातों को सुनने के बाद में आखिर में चलते चलते एक श्रद्धांजलि दे देंगे शैलेंद्र जी को भी,
और मुकेश जी को भी उस नज़्म के ज़रिए जो मैंने बचा के रख ली, क्योंकि उसके बाद फिर कहने को कुछ रह नहीं जाएगा। जो शबनमी बूंद लुभाती है मन भाती है, वाह, पत्तों पे जो शबनमी बूंदें लुभाती है मन भाती है, यादें भी हृदय सीपी में पे मोती सी जड़ जाती, मोती सी जड़ जाती है, यादें वही यादें थी जिनसे अभी रूबरू करा रहे थे हमें दत्त साहब। और निश्चित ही मुझे ऐसे लग रहा था कि इनको सुनते चले जाए, आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन वो हमारे आज के अतिथि भी हैं और निश्चित ही मंच उनको सौंपा है, तो उनकी बात भी हमें सुननी है और वो हमें सुनना चाहते हैं। तो मैम आप आए और वो फिर शुरुआत करते हैं। और मैं क्योंकि ये निरंतर है और सतत रहेगी, जब भी दत्त साहब हमारे शहर में होंगे तो हमारे बीच होंगे, इस उम्मीद के साथ मैं दत्त साहब को फिर आवाज देता हूँ कि ये कुछ गीतों को हमारे बीच में रखते हुए अपनी बात कहते हुए इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुँचाएं। मैं गा के छुट्टी करता हूँ, मैं काफी हो गया, बांसुरी आराम से सुनेंगे इसके बाद में। हाँ ओके, उसके बाद में प्रश्न ये रहेगा कौन बजाए बांसुरी। लेकिन सर एक गाना मुकेश का बड़ा यादगार गाना है जी, किसी ने गाया नहीं, आप बताइए क्या तेरे मन में समाई, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, और ये उसी तीसरी कसम का गाना है जहाँ से आपने अपनी बात शुरू की जी, और ये हसरत साहब ने लिखा जी और शैलेंद्र जी की फिल्म। हाँ तो इसमें हम ऐसा कर लेते हैं कि चलते चलते मैं आपको आखिरी एक हिस्सा जो मुझे याद आता है, शिमला से मैं चला था ना तो मैं शिमला में ही वापस जाऊंगा क्योंकि वो 1973 था, ये 2023 है, 50 वर्ष हो गए पूरे। वाह 50 वर्ष पहले भी बहुत बढ़िया, हमारे मन में यही उमंगे तरंगे थी। तो आज मैं एक ऐसा टुकड़ा उन्होंने गाया था मुकेश साहब ने जो किसी रिकॉर्ड में नहीं आया था, मैं वहां पे आता हूँ, लेकिन पहले इतनी बात को पूरा ध्यान देते हुए, दुनिया बनाने वाला क्या तेरे उस ठंडी रात में हम बैठे हुए रात को 1 बजे ठिठुर रहे थे, लेकिन जो जज्बात की गर्मी थी उसमें अचानक मुकेश साहब की आवाज आई, हारमोनियम बजा, 3 म्यूजिशियन साथ में थे और उन्होंने एक ऐसा अंतरा गाया जो रिकॉर्ड बनी। इस दिल के आशियां में अब उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले जाने कहाँ गए, वो दिन कहते थे नजरों को जाएंगे कहाँ, और महफिलें जमेंगी शैलेंद्र जी और मुकेश साहब को याद करेंगे, लेकिन तीसरे व्यक्ति को मत भूलिए, हमारे प्यारे देव साहब की भी सेंटी धरी है और उसके लिए भी एक प्रोग्राम हम जरूर कहीं ना कहीं करेंगे। दुआएं, थैंक यू आप सबका, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू इतना सही बोलना था अभी अंत में।